सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कई कार्यक्रमों का ऐलान किया। जिस तरीके से कई कार्यक्रमों में आज वो शिरकत करेंगे, सुबह 9:30 बजे से महिला रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह बताया जा रहा है। गृह विभाग पुलिस के सभी लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होंगे। तो 11 बजे 5 कालिदास मार्ग आवास पर पेंशन वितरण कार्यक्रम भी रखा गया है और ठीक शाम 5:30 बजे ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और 6:00 बजे स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होगा। 6:30 बजे इंद्रप्रस्थ उत्तर प्रदेश अतिथि गृह नई दिल्ली का वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही कई ऐसी योजनाएं बताई जा रही है जिनका लोकार्पण डिजिटलाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। गृह विभाग पुलिस के सभी लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आज बताए जा रहे हैं 11 बजे से, जो कि 5 कालिदास मार्ग आवास पेंशन वितरण कार्यक्रम होने जा रहा है। फिर 5:30 बजे ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो वर्चुअल लोकार्पण भी किया जा रहा है ऑक्सीजन प्लांट्स का, और उसके बाद ठीक आधे घंटे पर ऐसे कई प्रोग्राम सीएम योगी आदित्यनाथ के बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में ही नजर नहीं आएंगे, बल्कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के साथ भी आज उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो कई कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। बेहद व्यस्ततम दिन जाने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ साथ बड़ी सौगातें आज आम जनता के नाम करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 9:30 बजे सबसे पहला कार्यक्रम उनका, फिर गृह विभाग पुलिस के सभी लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई सारे कार्यक्रम बताए जा रहे हैं और सौगातों की छड़ी लगने जा रही है, क्योंकि 11 बजे 5 कालिदास मार्ग आवास पर पेंशन वितरण कार्यक्रम है और सुबह 9:30 बजे से महिला रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह बताया जा रहा है। 9:30 बजे सुबह से ही आज कार्यक्रमों की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की इंद्रप्रस्थ उत्तर प्रदेश अतिथि गृह नई दिल्ली का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। तो आज कई सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे, और 11 बजे 5 कालिदास मार्ग पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन होना है और 5:30 बजे ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये कोशिश जारी है बीजेपी की कि किसी भी तरीके से पार्टी को मजबूती देने का काम किया जा सके, जिसके तहत कई रैलियां हो रही हैं, लोगों को सौगातें भी दी जा रही हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ रवि हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कई सारे कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में कितना अहम ये दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साबित हो सकता है? देखिए, काफी अहम दिन है और भारतीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले बात है। तो आज पहली शुरुआत है वो 9:30 बजे सुबह होगी, क्योंकि लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में होगी, जिसमें महिला रिक्रूट आरक्षियों का दीक्षांत समारोह है। उसके अलावा गृह विभाग और पुलिस के सभी लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। हालांकि इस मौके पर डीजीपी समेत तमाम सारे जो लोग होंगे, पुलिस के जो अधिकारी हैं कर्मचारी वो सब शामिल होंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो 11 बजे के करीब जो कालिदास मार्ग आवास पर कार्यक्रम है, जिसमें पेंशन वितरण कार्यक्रम द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो अतिथि उसमें शुरुआत करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो करीब 1:15 बजे मुंशी मेट्रो स्टेशन लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होना, जिसकी NHAI कार्यक्रम की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो भी इस मौके पर सहभागिता करेंगे। उसके बाद 4:30 बजे लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम होगा, जिसकी सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो कालिदास मार्ग का वर्चुअली लोकार्पण है वो 5:30 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद कालिदास स्थित अपने आवास पर ही अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है वो करेंगे, जो कि 6:00 बजे के करीब ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं इंद्रप्रस्थ उत्तर प्रदेश अतिथि गृह, क्योंकि नई दिल्ली का वर्चुअल लोकार्पण, उसके अलावा नवनिर्मित सभा ये वाणिज्यिक कार्यालय भवन जो कि सेक्टर 148 नोएडा के लोकार्पण कार्यक्रम को वो भी अपने सीएम आवास पर करीब 6:30 बजे। कुल मिला के कई सारे कार्यक्रम है जिनमें आज मुख्यमंत्री योगी और तमाम सारी योजनाओं की शुरुआत। ठीक, रवि आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी आपने बताया सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और उसके बाद
जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा, तो ऐसे में अब ये जो बड़ी सौगातें सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से, इसे इस तरीके से भी तोल मटोल करके देखा जा सकता है? क्योंकि अगर आने वाले समय में हम चुनाव की बात करते हैं तो फिर ऐसे में विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बेहद चुनौती भरा पल साबित हो सकता है, क्योंकि बड़ी सौगातें लगातार बीजेपी की तरफ से घोषणाएं हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होने, चुनाव में बहस कुछ ही वक्त रहेगा। उससे पहले अगर बात करें, तमाम सारे कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं, तमाम सारी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, कई लोकार्पण और शिलान्यास भी किए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो अपना महज कुछ ही वक्त रहेगा, उससे पहले तमाम सारे कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। यानी 2022 विधानसभा चुनाव में काम किया होता है, योजनाओं को लेकर चुनाव में जाते हैं, क्या क्या कानून व्यवस्था को लेकर काम किया, दो साल कोरोना काल में जो भी हालात है उसको लेकर जिस तरीके से क्या कुछ काम किया जा रहा है, पूर्व में क्या कुछ काम किया गया, तमाम सारी चीजें हैं उसको लेकर ही आप अगले चुनाव में जाते हैं। और चुनाव के बाद ही जनता को लगता है कि जो बेहतर काम जनता के उसको लेकर किया गया है, उसी हिसाब से जनता है वो फैसला लेती है। बिना कहीं जो सरकार है यानी कि जो अभी वर्तमान सरकार ही चुनाव में, ठीक रवि, उसको लेकर जनता है वो अगले चुनाव में वोट करेगी। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।